बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुकिंग विद नाइमा के साथ नाइमा खान हाजिर है और खुश आमदीद कहती है। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे भले होंगे, हमेशा खुश खुरम और शादो आबाद रहें, आमीन। जी नाज़रीन, आज आपके साथ मीठे में बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग, बहुत ही यूनिक तरीके से तैयार की जाने वाली पियोनिया की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जनाब रेसिपी जो है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो किस लिए कि ये बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग, बहुत मीठी और मजेदार, बहुत जल्द और बहुत आसान बनने वाली ये रेसिपी है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब जितने भी मैंने इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें रखी है उनमें सबसे पहले मैंने एक पाव मैंने पियोनिया ली है और एक कप चीनी का लिया और कुछ मैंने नट्स लिए हैं। इसमें 3 अदद छुहारे हैं जिनको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है और 2 खाने के चम्मच जो है ये सौगी रखी हुई है और 10 अदद बादाम है, 10 अदद पिस्ते हैं जिनको मैंने कट करके रखा हुआ है। जो खास बात है 1 किलो मेरे पास ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, जिसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा और ना ही मैंने इसको गर्म किया है, ये बिल्कुल कच्चा और ताज़ा दूध है। तो जनाब आज की हमारी रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होगी, तो आपने हमारे वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को तैयार करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये देखें दूध डाल रही हूँ बर्तन में पियोनिया बनाने के लिए। जी नाज़रीन 1 किलो मैंने फुल फैट मिल्क लिया है पियोनिया बनाने के लिए। चीनी ऐड कर रही हूँ, फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है ताकि दूध को हम बॉयल दे सकें। तो जनाब जैसे ही चीनी डिजॉल्व होगी इसके बाद फौरन ही दूध को बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। जी नाज़रीन देखें दूध जो है वो उसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सौगी ऐड कर रही हूँ और जो मैंने छुहारे कटिंग करके रखे हुए हैं वो ऐड कर रही हूँ। तो ये जो मेरे पास नट्स बाकी बचे हैं इसे मैं गार्निश करूँगी। जी नाज़रीन ये देखिए दूध जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने सौगी और छुहारा ऐड किया था जिसको मैंने अच्छे तरीके से पकाया है और दूध को भी अच्छे तरीके से पका लिया है। तो जनाब इसको हम अब चूल्हे से उतारेंगे, फ्लेम बंद करती हूँ। तो पियोनिया मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी बल्कि दूध को मैं पियोनियों के अंदर डाल रही हूँ। ये देखें किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन देखें दूध हमारा तैयार हो चुका है और अब इसी दूध को मैं पियोनियों के अंदर ऐड कर रही हूँ। जी नाज़रीन पियोनी हमारी जो है तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं कुछ नट्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये। जी नाज़रीन आज की हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को फुल वॉच करें। तो जनाब अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।